हेलो एवरीवन, फिजिक्स एमसीक्यूज ये भी पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह, जो यूनिफॉर्म पर्सन नेवी से रिगार्डिंग टेस्ट की इसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ये पेपर में आपको मिलेंगे और उनकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। इससे पहले पार्ट मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट का एक अपलोड किया है वर्बल के, तकरीबन उसमें मैंने 43 एमसीक्यूज शेयर किए हैं, तो उसको आप तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, अभी की वीडियो फिजिक्स पे है। तो फिजिक्स में देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम कॉन्टेन ग्राम, तो ये 1001 किलोग्राम के अंदर होती है। अच्छा, उससे पहले अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ऐसी बहुत सी वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। देखें, वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत होती है, पहले ये ढूंढने पड़ते हैं, फिर टाइप करने पड़ते हैं, फिर वीडियो शूट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद इस पर एडिटिंग करो, फिर थंबनेल डिस्क्रिप्शन, काफ़ी एक पूरी पेनफुल जॉब होती है। प्लीज़ आपसे सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर डिस्टेंस, तो इसका बेस्ट आंसर सी है, क्योंकि ये गैसेस, गैस मॉलिक्यूल जो ज़्यादा डिस्टेंस के होते हैं, ग्रेटर डिस्टेंस के। अब पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इक्विलिब्रियम, तो ये इसका बेस्ट आंसर डी है, क्योंकि अनस्टेबल होती है ये। क्वेश्चन नंबर 4, द मूविंग व्हील ऑफ अ कार इज एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन, तो जो कार का व्हील घूम रहा होता है वो किस मोशन की एग्जाम्पल है? इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ना वेव है, ना वाइब्रेशनल है, ना ट्रांजिशन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज अटैच विद अ रोप देन दिस इज डैश लॉ, तो ये न्यूटन लॉ के तहत काम करता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश 3×10^8 होती है इसकी स्पीड। डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबल प्राइज इन डैश 1979 में मिला था इनको। हाइड्रोजन एज डैश आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, ये नीचे भी 3 हैं, इसको जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वो स्ट्रेस, ये वो जेनी स्ट्रेस नहीं होती, ये दूसरी स्ट्रेस होती है जिसको टेंशन कहा जाता है, वो किसी रस्सी के अंदर स्ट्रेस हो सकती है, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेस होती है, ये वो चीज़ें हैं। इसका बेस्ट आंसर ये Nm-2 होती है। इन रेफ्रिजरेटर डैश गैस इज यूज्ड, तो फ्री ऑन गैस यूज की जाती है इसके अंदर। द मैग्नेटिक लाइन्स आर ग्रेटर ऑन डैश साइड, ये आउटर साइड पे। इन ड्राई सेल द चार्जिंग ऑफ EMF इज डैश 1.5 वोल्ट होती है। वॉइस ला PV इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस, जो पैरेलल सर्किट हैं इसकी रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस टोटल जो होती है उसकी होती है, मतलब उसको कंबाइन किया जाता है। टू लिफ्ट द हैवी कार्स इज डैश यूज, ये स्क्रू जैक की मदद से इनको ऊपर उठाया जाता है। द रेशो ऑफ फोर्स एंड वेट इज कॉल्ड डैश, जो फोर्स और रेशो, जो फोर्स और वेट की रेशो होती है इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। द पिच डिपेंड ऑन, जो आवाज़ की पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पे बेस करती है। द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इज वुड, लकड़ी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल। द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है जो शंट्स होते हैं रेजिस्टेंस। थर्मल रेडिएशंस आर टाइप ऑफ डैश, जो थर्मल रेडिएशन होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। What is appropriate SI unit of distance? Distance का appropriate unit कौन सा है? ये मीटर है इसका SI unit, क्योंकि ये बाकी आगे सारे ड्राइव यूनिट्स हैं इसके। फिजिकल फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, भी इसको कहा जाता है।